इनको देख के लोग बाल बढ़ाते थे और बाल कटाते थे मतलब असर देखिए ऐसी खबर आई कि टीना मुनीन ने ब्रेकअप कर लिया है एक दिन रिंग्स लिए और घर में कोई था नहीं संजय दत्त को कोई होश नहीं था आ, तो बस निकाली अपनी गन और फायरिंग शुरू हो गई मतलब और सारी शीशे तोड़ दिए अपनी गाड़ी के शीशों पर गोली मार दी स्मगल करके तीस ग्राम कोकेन ले गए जूते में छुपा इतना आप खो जाते हो कि आपको कुछ दुनिया का पता नहीं एम एन सिंह जो उस वक्त जॉइंट कमिश्नर थे एम एन सिंह का तो कहना था कि अगर हमें संजय पहले बता देता

किताब जिसका शीर्षक है द क्रेज़ी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय संजय दत्त और इसको लिखा है यासिर उस्मान ने कहानियों की बात हो रही है एक कहानी मैं सुनाऊंगा फिर यासिर साहब से कहानियां सुनेंगे हमारे औरई जालौन जालौन के बगल में एक ज़िला है इटावा अब तो बगल में औरैया आ गया है नया बन गया तब औरैया इटावा में था वहाँ पर केमिस्ट्री के एक मास्टर साहब थे मोहम्मद उस्मान साहब मूलता मुरादाबाद के रहने वाले थे और उनके साहबजादे जो हमारे बगल में बैठे हैं वो उन्नीस सौ उन्यासी एक कम अस्सी में पैदा हुए तो मास्टर साहब ने अपने बालक का नाम रखा यासिर और यासिर साहब से मैंने इंटरव्यू शुरू होने के पहले पूछा कि सर मतलब क्या होता है इसका तो उनका जवाब था कि यार एक मतलब तो होता है केयर फ्री और दूसरा मतलब होता है रईस और फिर कुछ ठहर कर उन्होंने आंखों में सफ़ेद और उजली किस्म की शरारत भर के कहा मैं इन दोनों में से ही कुछ भी नहीं हूँ और उसके ठीक अगले सेकंड मेरी नज़र किताब के कवर पर चली गई यासिर साहब का दावा वो जाने संजय दत्त के बारे में ये दोनों ही चीज़ें बखूबी कही जा सकती हैं इससे पहले आपने रेखा के बारे में लिखा उससे पहले राजेश खन्ना के बारे में लिखा और आजकल ऑथराइज का बड़ा जोर है और आपका जोर रहता है कि बॉस ये अनऑथराइज है क्यों ये इसका जवाब मैं दूंगा सौरभ और उससे पहले आपसे कुछ भी जो ऑफ द रिकॉर्ड बोलने से पहले मैं सोचूंगा मेरी सारा आ, कच्चा चिट्टा सौरभ ने खोल दिया और मैं लंदन टॉप देखता रहता हूं और बहुत मज़ा आता है आज न्यूज़ रूम में बैठा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है तो अनऑथराइज और ऑथराइज का जो चक्कर है तो मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री आपने बता दी है थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि जब छोटे शहरों से हम लोग आए हैं और वहाँ पर जो एंटरटेनमेंट का साधन होता था वो ज़ाहिर है फिल्में ही हुआ करती थी बहुत फिल्में देखी सब देखी मुझे लगता है कि उस दौर में भी जितनी थोड़ी बहुत पढ़ाई की कसम पैदा करने, 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 करने वाले पैदा की से लेके और तीन बार अमिताभ बच्चन की मर्द और आखिरी रास्ता वो सब वो सब दौर से गुजरे तो मैगजीन्स भी पढ़ते थे बड़ा मज़ा आता था और जो ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होते थे वो इतना आजकल बहुत पोलिटिकल हो गया उसमें जो रेशियो होता था पोलिटिकल कम होता था ये टी वी सीरियल्स अच्छे बनते थे या फिल्मों का ज़्यादा होता था तो वो शौक वहाँ से था उसके बाद जब पढ़ने दिल्ली आए तो किताबों की तरफ गए कि वो स्टार्स या वो फिल्म मेकर्स जिनके बारे में मैगजीन्स में पढ़ा था आप किताबों में आए तो जो किताबें मिली वो बड़ी डिसपॉइंटिंग थी या तो मुझे ख़राब वाली ही मिली <laughs> या या जो लिखा जाता था कि मैंने तो ये पढ़ा था और ये अपने बारे में ये एक्टर क्या बोल रहा है यार ये तो झूठ है ऐसा तो हुआ नहीं था तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है बीस साल हो जाते हैं एक वाक्य को तो ना गुलाबी चश्मे से देखने लगता है वो अरे ऐसा नहीं हुआ था ऐसा हुआ होगा हम बताते हैं हम बताते हैं वो जो हम बताने में जो डाइल्यूट होती हैं चीज़ें तो मज़ा नहीं आता तो जाहिर है सीरियस हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ये भी सिनेमैटिक हिस्ट्री बोली है आप इसको तो वो हिस्ट्री डाइल्यूट हो रही थी मुझे लगा ये मज़ा नहीं आ रहा कुछ ये ऐसा भी नहीं कि सारी किताबें खराब आजकल तो बल्कि ऋषि कपूर हैं लिखना शुरू किया तो पब्लिशर ने मुझसे कहा कि अच्छा कौन से स्टार को किसी को नहीं लाऊंगा कहते नहीं आप ला सकते हैं आप तो जर्नलिस्ट हैं आप मिलते रहते हैं मैंने कहा नहीं वो उस रास्ते नहीं जाना वो हो सकता था मुश्किल नहीं था वो क्योंकि आप बात करते हो मिलते हो जाहिर है आप इंटरव्यूज लेते हो मुझे लगा कि एक पत्रकारिता के दायरे में कि के, के पुरानी रिपोर्टिंग जैसे रेखा पे लिखी तो जब रेखा इंडस्ट्री में आई थी चौदह साल की लड़की थी हिंदी नहीं आती थी तेलुगु तमिल आती थी तो कैसा रहा होगा दौर उस दौर में कैस, कैसी सोच थी अब तो भी भी वो भी इत, भी इस उम्र में हो गई है सोच बदल गई है या संजय दत्त जब 1980 में लॉन्च किए जा रहे थे और आज के संजय दत्त में तो वो बात याद भी नहीं होगी या करना नहीं चाहेंगे तो आर्काइव में जाते हैं पुराने इंटरव्यूज लाते हैं उस दौर के लोगों से बात करते हैं उनके फिल्म मेकर से को स्टार से फैमिली मिल सके तो फैमिली से और फिर जो एक वो थ्री डायमेंशनल बनेगा जिसमें पीआर बाजी नहीं होगी ना तो सब अच्छा हाँ, ना तो सब अच्छा ना, तो सब अच्छा, ना, अच्छा, ना अच्छा, हाँ, ना तो, के तहत सब, हाँ, बुरा बुरा। सब बुरा इंसान है तो इट्स अ वेरी ह्यूमन अप्रोच और जैसे मैं कहता हूँ इट्स एन एफर्ट टू ह्यूमनाइज द एनिग्मा तो वो एनिग्मा हैं ये लोग क्योंकि मिस्टीरियस कैरेक्टर्स रहे हैं सारे क्या करते हैं पर्दे के अलावा क्या ज़िंदगी है वो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उसमें तो मुझ पर लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि तुम गॉसिप में इंटरेस्टेड हो असल में वो गॉसिप नहीं है मैं बड़ा आ, मुझे बहुत लगता है कि इनके बारे में लिखा जाना चाहिए क्या एक ज़माना है जनरेशन की जनरेशन दीवानी रही हैं इनकी है ना इनको देख के लोग बाल बढ़ाते थे और बाल कटाते थे मतलब असर देखिए वो दौर गुजरा है और ये ये बिल्कुल सामने का दौर है हम मतलब मैंने कितनी नाई और टेलर की दुकानों की जो हैंड्स हाथ से पुती हुई होर्डिंग थी हा, हा, उसके बाहर संजू बाबा को देखा और संजू बाबा का मैं, मैं एडमायर करता हूँ और आ, एडमायर इसलिए नहीं करता कि वो बहुत ग्रेट एक्टर मैं उनको ग्रेट एक्टर नहीं मानता हूँ मैंने राजेश खन्ना पर भी लिखे हुए उनको ग्रेट एक्टर नहीं मानता बट ये जो इनका स्टारडम है मैं उसे बड़ा एक्सप्लोर करना तो चाहता हूँ और, और ये ये क्या रीज़न है कि मतलब लड़कियाँ खून से चिट्ठियाँ लिख रही क्यों भाई है ना इस, क्या चक्कर था कि इनको देख के बाल बढ़ा रहे थे मैं जितने लोगों से मिला जितने लोगों से बॉम्बे जाके इस बुक के रिसर्च होने में

जो हम एक न्यू मीडिया के एज में भी एक कई क्लिप्स देखते हैं वो रेस्ट्रों के बाहर किस तरीके से पत्रकारों से बात कर रहे हैं है ना छोटे चोट छोटे ऑडियो और वीडियो वायरल होते हैं क्या वाकई ऐसा चरचराटा है संजय दत्त का कि लोग अपना नाम लेकर उनके बारे में बात करने से घबराते हैं कि यार घबराते हैं या उनको लगता है अरे जो बीत गया वो बीत गया अब, अब छोड़ो घबराहट तो मुझे मालूम नहीं लेकिन कई लोगों ने ये कबूल किया इसमें काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो कई रिकॉर्डेड हैं कई लोगों ने जो मुझे जानते हैं मेरे उनका तो नाम मत लेना प्लीज और मैंने नहीं लिया उनका नाम तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं तो दो तीन अलग अलग वजह सामने आई एक तो था कि नहीं यार नाराज हो जाएंगे संजू बाबा नाराज हो जाएंगे कुछ भी बोलूंगा इंडस्ट्री में कि उनको नाराज नहीं करना नाराज नहीं करना है ये तो ये तो एक कोर्ट चलता है फ्रेटर्निटी में और दूसरा ये था कि यार उसके केस पे बुरा असर पड़ेगा जबकि मैं समझाते समझाते परेशान हो गया कि अब खत्म हो गया है वो सजा काट के आ गए अब केस से कोई लेना देना नहीं है तो केस पे बात नहीं करेंगे और तीसरा था कि यार उसको ही इज़ अ मिसअंडरस्टुड बॉय एक तो मैंने कहा कि बॉय कहाँ है यार अभी मतलब पचास से ऊपर के हो गए एक तो ये जिसने कहा नहीं, नहीं दिल से तो बच्चे ही हैं तो एक तो ये दिल से जो बच्चे वाली इमेज है जो जुड़ी ही रही आखिर तक कि हथियार ले लिए के छप्पन ले लिया जेल हुआ है मगर वो शकील वो से बात हाँ वो छोटा शकील से बात कर ली जो सब दर्ज है इसमें और उसके बाद भी लोग लोग हर कम को अरे मुन्ना भाई है और यार बिन माँ का बच्चा है वो जो जो संजय दत्त का और वो एक्टिंग की वजह से नहीं था वो पर्सोना था संजय दत्त का कि भैया ये हम संजय दत्त को देखने जा रहे हैं वो अब पता है ये ये एक लार्जर पिक्चर में देखें तो ये स्टारडम अब नहीं होगा मेरे ख्याल से तीन खान थे और एक संजय दत्त थे जो उनसे अलग थे एक तो जो मिस्टीरियस बात थी वो नहीं है दूसरा तो पहले ना स्टाइल था संजय दत्त को आप थानेदार में वो इंस्पेक्टर बने हुए लेकिन बाल वही है ठीक है <laughs> संजय दत्त को आप नाम का ड्रग एडिक्ट बना दो वास्तव का कुछ बना दो मतलब वो संजय दत्त ही है सो पीपल वो गोइंग टू वॉच संजय दत्त उनको कैरेक्टर से मतलब नहीं था अनलाइक दीज डेज़ यहां पर हर हर बार आमिर खान एक नया गेटअप लाते हैं जहाँ पर वो आ, कपड़े पहनने का तरीका या बालों का स्टाइल या वो जो डायलॉग बोलने का तरीका था वो जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक ही होते थे मूलतः ज़्यादातर फिल्मों में mm. वो परसोना था तो वो परसोना वाला स्टार्टम अब ख़त्म हो रहा है तो कि भैया गैंगस्टर है तो ये तो सच में गैंगस्टर है तो mm. गैंगस्टर जो देख रहे हैं अरे आए है, तो असली लाइफ में भी ऐसा ही है संजू बाबा तो वो अब ख़त्म हो रहा है वो स्टार्टम अब वो स्टार्स नहीं होंगे जहाँ लोग इस तरह जुड़ें चलिए गैंगस्टर का जिक्र हुआ मैं आपको वहां पकड़ के ले चलता हूँ 12 अप्रैल उन्नीस मुंबई पुलिस के प्रमुख अमरजीत सिंह सामरा सामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में यासे साहब जैसे ही किसी उत्साही क्राइम रिपोर्टर ने पूछ लिया क्या मुंबई बम ब्लास्ट जो 12 मार्च उन्नीस को हुए इसमें संजय दत्त का नाम भी शामिल है आरोपियों की सूची में और सामरा का जवाब था इस बारे में हम कुछ स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कह सकते हैं बट है <laughs> हाँ। जर्मनी अगले, अगले में जर्मनी थे? में, थे में, हाँ, में थे तो उनको पता चलता है अखबारों में छप गया कि अच्छा संजय दत्त इन और संजय मॉरिशियस में संजय मॉरिशियस में आतिश का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो क्लाइमैक्स उनका ध्यान हट गया ही क्योंकि जाहिर है कि अब तो हम कह सकते हैं उनके पास गन थी उस वक्त उन्होंने फोन किया

का बिजनेस करते थे अलमारियां बनाने का उनके दोस्त हुँ. तो कहा गया कि एक और दोस्त यूसुफ मलवाला को बोला कि वहां बंदूक रखी है उसको निकालो और गलाओ गिटार हाँ गिटार गिटार इज द कोड वर्ड गिटार और टेनिस बॉल टेनिस बॉल्स, टेनिस बॉल्स, बॉल्स, बॉल्स वो है, है ग्रेनेट के लिए तो ये ये सब तो हम जानते हैं क्या हुआ था केस जी। लेकिन आ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या नैरेटिव बनाया गया उस वक्त जो संजय दत्त के पक्ष में था जिस जिससे मैं सहमत नहीं हूँ आज भी कि अरे ये तो मासूम बच्चा था या इस दिल का साफ है आ, ऐसा नहीं था दिल का साफ तो ठीक है आप कह सकते हो लेकिन आ, वो जुर्म तो था वो बड़ा जुर्म था और एम एन सिंह जो उस वक्त जॉइंट कमिश्नर थे एम एन सिंह का तो कहना था कि अगर हमें संजय पहले बता देता तो हम बॉम्बलास्ट बचा सकते थे अगर वो जनवरी में जब उसने ली थी गन तो वो यहां तक कहते हैं मुझे एक अफसोस है कि उसने पहले नहीं बताया तो ये बड़ी बात थी दूसरा ये था कि अब पीछे जाते हैं बायोग्राफी लिखी है तो पीछे जाते हैं कि 10 साल पहले ये तो सब जानते हैं 93 में बंदूक ली थी और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे टाडा में फंसे थे पर वो पाली हिल अब आप सोचो मतलब आंखें बंद करके किसी भी स्टार का नाम सोचो क्या कोई भी स्टार ऐसा कि एक दिन बैठा है उसका ब्रेकअप हो गया है है ना और वो दो चार ड्रिंक्स डाउन है टीना और मुनीम से हुआ था? हाँ, हाँ टीना हाँ. मुनीम थी उस वक्त बहुत नज़दीकी नज़दीकियाँ ज़्यादा थी क्योंकि रॉकी में काम किया था तो ऐसी खबर आई कि टीना मुनीम ने ब्रेकअप कर लिया टीना ऐसी खबर थी क्लियरली और टीना मुनीम ने कर लिया था है? लेकिन ये मानने को राजी नहीं थी अरे कैसे कर सकते हैं तो एक दिन ड्रिंक्स लिए और घर में कोई था नहीं सुनील दत्त दर्द का रिश्ता के शूट पे अमेरिका गए हुए थे तो बस निकाली अपनी गन और फायरिंग शुरू मतलब अपने ही, अपने ही प्रेमाईस में में, प्रेमाईस हाँ। में और सारी शीशे तोड़ दिए अपनी गाड़ी के शीशों पे गोली मार दी मोहल्ले को बुलाया तो भाग गए अगली सुबह फिर सरेंडर किया इनका जब्त कर लिया गया मुझे मुझे भी नहीं पता था हालांकि इतना कमाल का लगा कहने को छोटी घटना है लेकिन इतना कमाल का लगा उसके बाद सुनील दत्त को फोन करते हैं जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट हमारे और तुम्हारे जैसे ऐसे ऐसे हो गया

सोच रही थी कि अच्छा चलो मासूम है अभी उस वक्त शिकार पर ऐसी मनाही भी नहीं थी तो शिकारी भी थे तो वो अलामतें पहले थीं उस वक्त किसी ने रोका नहीं Uh, कानून तोड़ा तो वैसी सज़ा नहीं मिली क्योंकि शायद पिताजी की पहुंच भी दूर तक थी और और अपने आप भी रईस ज्यादे थे बिगड़े शहजादे थे फिल्म इंडस्ट्री के तो वहाँ रोक दिया होता या कुछ कर दिया होता तो शायद वो दिन नहीं देखना पड़ता लेकिन वो चलता गया और वो वो हर मायने में था कि वो जो कायदे तोड़ने हैं कानून तोड़ने हैं वो वो हर मायने में था वो रिश्तों में भी था और वो माँ बाप की बात बात ना सुनने में भी था तो एक वो जो इंसान बन के आया मेरा मानना था कि एक बैड बॉय को कैसे डिफाइन करोगे जब मैं लिखने जा रहा हूँ और वो कैसे बनता है तो मैंने बहुत जगह इनके स्कूल के दोस्त लॉरेंस स्कूल सनावर में पढ़े हैं वहाँ दोस्तों से बात की फ़िल्म इंडस्ट्री में इनके करीबी दोस्त फिल्म मेकरज उनसे बात की देखिए आखिरकार समझ में नहीं आया मतलब यू कैन नॉट डिफ़ाइन अ बैड बॉय वो हैं ऐसे मतलब ऐसे लोग होते हैं दुनिया में तो क्या फ़र्क पड़ता है अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ भी हैं बुराइयाँ ज़्यादा हावी हो गई एक ज़माने में तो जेल भी जाना पड़ा तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता इसलिए कहानी सुना दी